हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब भी हम अपनी वेबसाइट मोनेटाइजेशन के लिए भेज रहे हैं, एडिशन से कनेक्ट कर रहे हैं, तो नीचे में हमें एक यहां पर पॉपअप दिखाई दे रहा है और इसी के साथ में वहां पर हमें देखने को मिल रहा है जैसे कि गेट प्राइवेसी रेडी। ठीक है, तो एक्चुअली में ये हमें क्यों देखने को मिल रहा है और इसमें हमें क्या करना है, वो चलिए आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं और इससे आखिर क्या बेनिफिट होगा। अगर आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट मोनेटाइजेशन के लिए भेज रहे हैं, अगर आप इन सेटिंग्स को नहीं करते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन के यानी कि रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है आपका मोनेटाइजेशन। तो इसे क्या करना है और कौन कौन सी सेटिंग्स करना है, वो चलिए हम इस वीडियो में सीख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको कुछ बातों को याद दिला दूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जैसे कि आपको यहाँ पर GDPR, ठीक है, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है गेट प्राइवेसी रेडी। तो अब चलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे कि ये लाइन आप देख पा रहे हैं, तो इस लाइन में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है GDPR और इसी के साथ में CPRA। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शंस को आपको यहाँ पर एक्टिव करना होगा। ठीक है, अब आप यहाँ से रिव्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिव्यू पर मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर मेरा इंटरनेट है थोड़ा सा स्लो है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइवेसी एंड मैसेजिंग। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर सिंपली क्लिक करते प्राइवेसी मैसेजिंग पर, तब भी आप यहाँ पर आ जाते। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं GDPR मैंने यहाँ पर एक्टिव कर रखा है और इसी के साथ में CPRA, तो ये भी मैंने यहाँ पर एक्टिव कर रखा है। तो मैंने ये दोनों को यहाँ पर एक्टिव कर लिया है। ठीक है, अब इसमें आपको कौन कौन सी सेटिंग्स करना है वो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो आपको कुछ बातों को यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर मैनेज पर सिंपली क्लिक करता हूँ। मैनेज पे सिंपली क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्रेडिट मैसेज। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। आपको भी इसी पर ही सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही सिंपली आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऊपर में योर सेट। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है सिलेक्ट सेट, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर सिंपली क्लिक कर देते हैं तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग्स कर रखी हैं। तो आपका यहाँ पर जैसे कि ये नेम देखने को मिल रहा है, सेट नेम ये आपका नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कर रखा है और मैंने यहाँ पर ये सेव कर दिया, आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद में प्राइवेसी पॉलिसी URL, अब जो आपने अपनी वेबसाइट के लिए जो प्राइवेसी पॉलिसी बनाई है उसका ये URL मांग रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अपनी हम वेबसाइट पर जाते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि shankarblog.com। तो चलिए शंकर SHANKAR और उसके बाद में BLOG उसके बाद में .com, चलिए पूरा ही लिख देता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर लिखकर सर्च कर दिया। उसके बाद में जो भी आप प्राइवेसी पॉलिसी है आपकी वेबसाइट की, उसे आपको यहाँ पर उसका URL कॉपी कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है प्राइवेसी एंड पॉलिसी। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये 5 पेजेस बना रखे हैं और इन पेजेस को किस तरीके से बनाते हैं अगर ये आपको पता नहीं है तो मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। तो ये मेरी यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी है, तो चलिए मैं यहाँ पर इसके URL को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद में कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पर अपने एडिशंस में जाता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपली स्पेलिंग के आइकन पर सिंपली क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में मैं इसे यहाँ पर Ctrl+A उसके बाद में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर अपना जो आपने URL जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसका आपने यहाँ पर URL डालना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपना URL डाल दिया। उसके बाद में लोगो, अब जो भी आपके वेबसाइट का लोगो है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब जो भी आपकी वेबसाइट है आपने उस वेबसाइट का लोगो बनाया होगा तो वो लोगो आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर इस अपनी वेबसाइट पर जाता हूँ और मैंने ये लोगो बनाया है अपनी वेबसाइट का, तो मैं इसे सिंपली क्लिक करूंगा और मैं यहां से इसे सेव कर लूंगा, सेव इमेज। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहां पर ये करके ही दिखा देता हूं सारी चीज़ों को। ठीक है,
क्योंकि काफ़ी लोग के समझ में ना आए तो ठीक है, मैं ये बता दे रहा हूँ। और दूसरा वाला स्टेप है मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, बाकी आप समझ जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने जो मेरी वेबसाइट का लोगो है मैं उसका कोई भी यहाँ पर नेम दे देता हूँ, जैसे कि लोगो ओ, ठीक है। उसके बाद में टू, मैंने यहाँ पर लोगो टू मेरा यहाँ पर ये सेव हो चुका है। उसके बाद मैं अपने यहाँ पर जाऊँगा एडिशंस में और यहाँ पेंसिल के आइकन पर सिंपली क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चलिए मैं फिर से क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा ये लोगो, ठीक है। जैसे कि मैंने ये अपलोड कर रखा है, इसी तरीके से आपको अपलोड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको फिर से अपलोड करके ही दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपलोड के नाव पर सिंपली क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मैं अपने डाउनलोडिंग में जाऊँगा और उसके बाद में लोगो टू ये है हमारा, हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और हम उसके बाद में ओपन पर सिंपली क्लिक कर देंगे और जो भी हमारा लोगो है वेबसाइट का वो यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मैं इस वाले को यहाँ पर कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसे आपको अभी अपलोड करके दिखा रहा हूँ, मैं उसके बाद में इसे कट कर दूँगा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, पर आपको यहाँ पर एक ही लोगो अपलोड करना है। तो चलिए मैं एक के लिए यहाँ पर कट कर देता हूँ। तो ये बता रहा है, इसे फेल्ड बता रहा है। तो मैं जो भी मैंने इमेज यहाँ पर अभी अपलोड की है मैं उसे यहाँ पर हटा देता हूँ। चलिए मैं इसी को यहाँ से कट कर देता हूँ, कट कर दिया है। उसके बाद में हम कन्फर्म पर सिंपली क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे तीनों स्टेप हो चुके हैं और उसके बाद में आपको कन्फर्म पर सिंपली क्लिक कर देना है। ओ सॉरी, कन्फर्म पर क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, वरना ये नहीं होगा। तो ये हमारा छूट रहा था, चलिए हम यहाँ पर टिक कर लेते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पर कन्फर्म पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आप यहाँ पर पब्लिक्स कर दीजिएगा और आप यहाँ पर नीचे में भी आप इन्हें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हैं तो आप इन्हें करना चाहें तो कर दीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे ही रहने दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में हम पब्लिक्स पर सिंपली क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद में हम कन्फर्म पर सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इतना काम कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, उसके बाद में आपको बैक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ डबल क्लिक करके। उसके बाद में अब हमने एक यहाँ पर कर दिया है, जैसे कि जी डी पी आर हमने कर दिया है, अब बचा हमारा सी पी आर ए, ठीक है। तो आप यहां से भी जा सकते हैं प्राइवेसी एंड मैसेजिंग, इस पर भी आप सिंपली क्लिक करेंगे तब भी आप उसी पेज पर ही पहुंचेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं सी पी आर ए, ठीक है, मैनेज पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहां पर मिलेगा क्रिएटर एंड मैसेज, ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर सेट सिलेक्ट, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। इसी के साथ में मेरी जो वेबसाइट है यहाँ पर लोड हो रही है, यानी कि ये पेज यहाँ पर ओपन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ सेकेंड अभी वेट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ा इंटरनेट है वो अभी स्लो है, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट पे ही सिंपली क्लिक कर दिया, क्योंकि इंटरनेट वो वेबसाइट ओपन नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दिया। अब वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर टिक करना है और सिर्फ आपको कन्फर्म पर सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको पब्लिक्स कर देना है, बस इतना करना है और ये आपके यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे। अब एक्चुअली में ये हो क्या रहा है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, चलिए पहले हम यहाँ पर कन्फर्म पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। अब ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ परमिशंस दे रहे हैं, ठीक है, आप एडिशंस को बता रहे हैं कि जो आपकी वेबसाइट है वो ये उनकी जो वेबसाइट है आपकी उसकी ये पॉलिसी है और ये चीज़ों को हमारी वेबसाइट है वो अलाउ कर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको करना ज़रूरी है और अगर आप इन दोनों सेटिंग्स को कर देते हैं तो आपका जो एडिशंस है वो बहुत ही जल्दी अप्रूव्ड हो जाएगा। इसी के साथ में आपको यहाँ पर और भी ऑप्शंस मिल रहे हैं दो, ठीक है, जैसे कि अगर तो ये मिल रहा है एल जी पी डी, ठीक है, आप इसे भी यहाँ पर कर सकते हैं और इसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियोस बना दूंगा और उसमें अगर आपका कोई भी सवाल जवाब है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं आपके कमेंट को पूरा शामिल करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।